औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में तहसीलदार और नगर पालिका की टीम ने बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग न मानने और मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। टीम ने क्षेत्र की कई दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंस न बनाए रखने और गोलों का निर्माण न कराने के साथ ही मास्क नहीं पहनने को लेकर चालान बनाए और चेतावनी दी कि अगर अगली बार ऐसी गलती पाई गई तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। वहीं राहगीरों बाइक सवारों के भी चालान बनाकर समझाइश दी गई। कार्रवाई से जहां दुकानदारों और आम लोगों में हड़कंप मच गया, वहीं प्रशासन द्वारा सभी को कोरोना काल के नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए और लोगों को सावधान रहने की बात कही। इसमें दुकानों पर जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने अपने दुकान के बाहर गोले नहीं बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, या ग्राहकों को जो नज़दीक खड़े करके सामान बेच रहे हैं या मास्क नहीं पहन रहे हैं, और ऐसे जो यात्री जो बिना मास्क किए बाइक से जा रहे हैं उनके खिलाफ सामूहिक कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार में उनको हम समझाइश दे रहे हैं और जुर्माना करके छोड़ रहे हैं। अगली बार दोबारा पुनरावृत्ति पाई जाएगी तो हम दुकानें बिल्कुल सील कर देंगे, बंद कर देंगे और गाड़ियां भी जब्त करेंगे जो टू व्हीलर पर जा रहे हैं। आज जागरूकता कार्रवाई स्टार्ट की है और लोगों को जाग इसका उद्देश्य जागृत करना है लोगों को, जिससे सबकी सुरक्षा हो सके, खुद की भी और समाज की।